बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फहमीनाज किचन। सबसे पहले आने वाले नए दोस्तों को खुश आमदीद। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। साथ में नीचे दिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुँच सके, और ये बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे बीफ शखनी पुलाव। आप ये देख रहे हैं कितने मज़े की डिश तैयार हुई है। तो इसको हम झटपट से और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में तैयार करेंगे। तो जो रेसिपी के बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें, ताकि कोई भी आपसे स्टेप मिस ना हो और आपको एक परफेक्ट रेसिपी मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यखनी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले मैं यखनी बनाऊँगी, इसके लिए मैं प्रेशर कुकर यूज़ कर रही हूँ। अब मैं इसमें डालूँगी 1 kg बीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक गड्डी लहसुन की डालेंगे, एक दरमियानी साइज का कटा हुआ प्याज, और पानी डालेंगे। पानी इतना डालेंगे कि गोश्त जो है वो पानी के अंदर बिल्कुल भीग जाए। अब चम्मच से इसको हिला लेंगे। अब मैं इसमें तकरीबन डालूंगी 1 tablespoon भर के सूखा धनिया साबुत, वन टेबलस्पून भर के नमक, 1 teaspoon भर के हल्दी पाउडर। अब इसको मिक्स करेंगे और तकरीबन मैं इसको 15 मिनट के लिए प्रेशर कुकर चलाऊंगी। उसके बाद देखेंगे गोश्त हमारा गल गया तो ठीक, वरना थोड़ा सा और इसको रखेंगे। मैं इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको दरमियानी आंच पे रखूँगी, और इसके बाद बाकी का प्रोसेस करते हैं। तो व्यूज़, 15 मिनट हो गया है, मैंने अच्छी तरह से जो प्रेशर कुकर की वो भाप निकाल दी है। अब चेक करते हैं। बस माशाल्लाह, हमारा जो बीफ है वो गल भी गया है, दिखने में लग रहा है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखिए, ये देखिए जी, बिल्कुल परफेक्ट गला है जितना हमें चाहिए, और ये रेडी हो गया। अब एक साइड पे हम मसाला रख लेते हैं। मैं उसको डायरेक्टली ही उसके अंदर डाल दूंगी भूनने के लिए, अलग से बर्तन मैं ख़राब नहीं करूंगी। अब मैं एक पैन लूंगी, इसमें मैं डालूंगी तकरीबन 3 से 4 tablespoon कुकिंग ऑयल, ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब मैं इसमें डालूंगी ज़ीरा, साथ में है 2 लौंग, 2 दालचीनी और 1 बड़ी इलायची, थोड़ा सा ज़ीरा ऑयल। अब इसको भूनेंगे। बिस्मिल्लाह। जीरा हमारा भून गया, हम इसमें प्याज डालेंगे, ये एक दरमियाने साइज की प्याज है, इसको ब्राउन होने देंगे। अब मैं इसमें तेज पात डालूंगी, तीन पत्ते यानी कि बेल। प्याज हमारा ब्राउन हो गया, हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे।
पानी मैं यूज़ नहीं, मैं इसमें यखनी ऐड कर रही हूँ। इसमें अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून नमक डालूंगी। वन एंड हाफ टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। एक बड़े साइज का टमाटर। अब इसको हम भून लेंगे। अब मैं इसमें जो गोश्त हमने बॉईल किया था वो डालूंगी। अब इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। अब इसमें 5 से 6 में इसमें गोल लाल मिर्च डाल दूंगी साबुत। अब मैं इसको 2 से 3 मिनट भूनूंगी ताकि अच्छी तरह से जो हमारा गोश्त है वो घी में पक जाए। देखिए गोश्त हमारा अच्छी तरह से भून गया है। अब मैं इसमें यखनी ऐड करूँगी। ऑयल जो है हमारा सेपरेट हो गया। अब मैं इसमें यखनी ऐड करूँगी जिसमें छोड़ूंगी। अगर आपकी यखनी कम है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। उबाल आएगा तो उसके बाद हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। ये देखिए यखनी को अच्छी तरह से उबाल आ गया। हमने इसको इतनी ज़्यादा नहीं बनाना, ये तो ऑलरेडी पकी हुई है। अब मैं इसमें चावल ऐड करूँगी। ये तकरीबन 750 ग्राम चावल है। इसको मैंने सिर्फ 10 मिनट के लिए भिगोया था। अब हम इसमें चम्मच ला देंगे। अब मैं इसमें 1 टीस्पून चाइनीज सॉल्ट या आप चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें आधा चम्मच नहीं हिलाऊंगी। अब मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 1 टीस्पून काली मिर्च। ये ऑप्शनल है लेकिन अगर आप डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका। और अब मैं इसको तेज़ आंच पे दम पे रख दूंगी ताकि अच्छे से इसका पानी जो है यखनी खुश्क हो जाए। ज़रा चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से काफ़ी हद तक हमारा जो इसके अंदर यखनी है वो खुश्क हो गई है। एक चम्मच के साथ ज़रा इसको हल्का सा मिक्स करेंगे ताकि चारों साइडों से चावल अच्छी तरह से पक जाए। अब मैं इसमें 3 से 4 हरी मिर्च डालूंगी। इसके अंदर मैंने कट लगा लिया था ताकि जो हरी मिर्च का अरोमा है और खुशबू और जायका इसके अंदर आए। और आप यकीन करें कि क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और उसका टेस्ट भी बहुत ही मज़े का होगा इंशाल्लाह ताला। आप मेरी वीडियो को फुल फॉलो करें, सारी वीडियो को रेसिपी को फॉलो करें, इंशाल्लाह ताला आपको एक अच्छी रेसिपी मिलेगी बीफ यखनी पुलाव की। 1 मिनट बाद दोबारा चेक करते हैं। एक दफ़ा फिर मैं इसको चम्मच के साथ हिला लूँगी ताकि जो यखनी है चारों साइडों से अच्छी तरह से खुश्क हो जाए इसके अंदर।
चावल बनाते हुए ज़्यादा इसके अंदर चम्मच नहीं चलाना वरना चावल टूट जाएंगे। यखनी बिल्कुल खुश्क हो गई, आप देख लें। और आप यकीन करें इतना मज़ेदार है, इसमें हरी मिर्च का जो है ना अरोमा आ रहा है। अब मैं इसकी जो फ्लेम है वो बिल्कुल स्लो कर दूँगी और अब मैं इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए दम पे रखूँगी। ये देखिए अब दम पे रखने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब मैंने एक कपड़े को पानी में अच्छी तरह से भिगो लिए, अब इसको ऊपर इस तरह से डालेंगे। अब इस तरह से इसको कवर करेंगे। और अब हम इसको 5 मिनट के लिए मैं इसको दम पे इस तरह से रख दूंगी बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। तो 5 मिनट हो गए दोस्तों, बिस्मिल्लाह रहमान, अब खोल के देखते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और हमारे चावल को देखिए कैसे खिला खिला चावल पके, आप चेक करें। बड़े आराम के साथ आप इसको चम्मच के साथ हिलाएं और इसको इस तरह से खोलें। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये झटपट सी बीफ पुलाव यखनी पुलाव आपको बहुत पसंद आया होगा। और प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।